ये जो लोग टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि अपने रब को याद नहीं कर पाते? उसकी वजह क्या है कि रब की याद जिंदगियों से खो गई है? फराखत कातिल है, और आप देखिए कि फारिग इंसान पर शैतान कब्जा कर लेता है। जैसा कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इब्ने आदम का दिल जब जिक्र से खाली होता है तो शैतान उस पर धरना देकर बैठ जाता है, जब वो अल्लाह को याद करता है तो दुबक कर भाग जाता है। खाली दिल हो या जिंदगी खाली हो, खालीपन तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस खालीपन का नुकसान कितना बड़ा है ये इमेजिन करना कितना जरूरी है। खालीपन को दूर करने के लिए लोग बेकार मशागिल की तरफ तवज्जो देते हैं। इस खालीपन को हाफिज इब्ने कय्यम ने कितने प्यारे तरीके से वाज़े किया है। वो अलवाबिलुस सय्यिब में लिखते हैं कि जैसे इंसान के पेट को फाका लाहक होता है, यानी मैदा खाली हो जाता है, इंसान को भूख लग जाती है ना, ऐसे ही हर इंसान को एक ऐसा फाका लाहक हो जाता है जिसको अल्लाह की याद के सिवा कोई चीज पुर नहीं कर सकती। आज की दुनिया में सभी इस खालीपन का शिकार हैं। ये जो लोग टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि अपने रब को याद नहीं कर पाते? उसकी वजह क्या है कि रब की याद जिंदगियों से खो गई है? तो अपने रब की याद से अपनी जिंदगियों को पुर रौनक बनाना है। इस साल को अल्लाह ताला की याद का साल बना लें, और इस साल के हर लम्हे को जिक्र इलाही का लम्हा बना लें। ये जिक्र कभी नमाज की सूरत, कभी तिलावत की सूरत, कभी परागास तस्बीह तहमीद तकबीर तहलील की सूरत, और कभी दावत की सूरत, कभी तालीम की सूरत, यानी हर एक तरीका अल्लाह ताला की याद का तरीका बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।